देश भर में प्रचंड गर्मी और हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, इसके चलते कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। जानकारी के मुताबिक अब तक देश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गर्मी और हीट वेव की वजह से सबसे ज्यादा मौतें बिहार में दर्ज की गई है। अकेले बिहार में 20 लोगों की गर्मी की वजह से जान चली गई है। बिहार के बाद उड़ीसा गर्मी की वजह से जान गंवाने वाले राज्य की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। वहां अब तक गर्मी और हीट वेव की वजह से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गर्मी का आलम यह है कि बिहार के ज्यादातर इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। बिहार के सटे झारखंड में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 24 घंटे में झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में लू लगने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गर्मी और लू की वजह से अभी तक बिहार में सबसे ज्यादा 20 मौतें, उड़ीसा में 10, झारखंड में 7, राजस्थान में 5 और यूपी में 1 व्यक्ति की खबर सामने आई है। गर्मी का सबसे ज्यादा प्रकोप उत्तर भारत के राज्य में देखने को मिल रहा है। बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। इन इलाकों में जानलेवा हीट वेव ने चिलचिलाती गर्मी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सूरज की तपिश के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बिहार समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। अब देखना यह होगा कि गर्मी से जूझ रहे इन तमाम राज्यों को कब राहत मिलती है।